और आपको बता दें कि बसपा गठबंधन फिर से 5 सीटों पर आगे हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने आपको बता दें कि 2 सीटों पर लीड बना ली है। तो आपको बता दें कि AIM है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर, AIM ने 3 सीटों पर पकड़ बना ली है। बिहार विधानसभा चुनाव की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चैनपुर से बहुजन समाज पार्टी के जमा खान आगे हुए, तो रामगढ़ से अंबिका प्रसाद लगातार बढ़त बनाते जा रहे हैं। वो AIM पार्टी के भी लगातार 3 विधायक जो है प्रत्याशी लीडिंग के अंदर चल रहे हैं। 3 प्रत्याशी सीमांचल क्षेत्र के अंदर 3 प्रत्याशी असमुद्दीन ओवैसी की पार्टी के आगे चल रहे हैं। सबसे जबरदस्त जो प्रदर्शन है अभी तक का अगर हम देखने की कोशिश करें तो लेफ्ट पार्टियों का सबसे दमदार प्रदर्शन है वो देखने को मिला है, जबकि सबसे बेकार प्रदर्शन JDU और कांग्रेस पार्टी का है वो देखने को मिला है। हालांकि हम आपको देखने की कोशिश करें तो BJP ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कमबैक किया है। बिहार की जनता बिहार में क्या कुछ करती है ये तो देखना दिलचस्प, लेकिन बिहार के चुनाव को लेकर लगातार